नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह, आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो मुद्दा है स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले डीजीटी की तरफ से ये खबर है कि जो लेफ्ट ओवर और सप्लीमेंट्री वाले जो लड़के हैं उनके लिए हाल टिकट जो है तो डीजीटी जनरेट करना चालू कर दिया है और ये हाल टिकट मेल पर मिल रहे हैं, लेकिन इस पे बहुत बड़ी दिक्कत भी जा रही है। कई लड़कों का जो मेल आ रहा है, जो लड़के पास भी हो गए हैं उन लड़कों का भी मेल आ गया है। कई लड़के सवाल कर रहे हैं कि अगर मेल आ रहा है सर हम पास हो गए हैं तो क्या करें। तो ऐसे कोई बात नहीं, अगर आप पास हो गए हैं, आप पास की मार्कशीट आपके पास है तो आपको परीक्षा फिर नहीं देना है, बाकी आप अपने आईटीआई से एक बार संपर्क जरूर कर लें। कई पुराने बच्चों का हाल टिकट आ गया है, कोई बात नहीं है, है ना, जिनका अगर परीक्षा देने फेल है वही लोग करें, ठीक है। देखिए, डीजीटी ने एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर अभी इसलिए नहीं किया, 23 तारीख को उन लोगों ने डेटा चढ़ाया था जिसके कारण साइट उनकी बहुत स्लो चली, ठीक है। अभी हो क्या रहा है आपको एक्चुअल में मैं बताऊं कि एनसीबीटी एमआईएस पोर्टल पर अपने सॉफ्टवेयर को डीजीटी अपडेट कर रहा है। जैसे आप जानते हो कि समय समय पर डीजीटी अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, इसलिए एडमिशन की प्रक्रियाओं को डेटा को चढ़ाने के लिए वो देरी कर रहा था, लेकिन जैसे ही डेटा चढ़ाया तो वेबसाइट उनकी फेल गई, मतलब सर्वर उनका फेल हो गया। इसलिए अधिकारियों ने आनन फानन में यह कहा कि चलिए अभी टाइम है, हम जो है तो क्या करते हैं कि थोड़े थोड़े करके लड़कों के मेल पर ही हाल टिकट क्यों ना भेजते हैं। हाल टिकट उन्होंने धीरे 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 करके भेजना चालू कर दिया, पर अब इसमें बहुत सारी चीजें कमियां भी आई हैं। हाल टिकट उनका भी निकल गया जिनकी परीक्षा भी नहीं थी, अब उसको तो डीजीटी देख नहीं सकता था कि देखे कि कौन है क्या नहीं है। जल्दीबाजी में जब भी डीजीटी ऐसी काम करती है तो निश्चित ही गलतियां कर देती है और उसका जो है तो भुगतान या तो आईटीआई वाला करता है या स्टूडेंट करते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि डीजीटी को कि आप पहले सब चीजें कर लीजिए, डेट नहीं बढ़ानी थी बल्कि और पहले कर देना था, तो आप एग्जाम की प्रक्रिया को ही खींचते खींचते दिसंबर में ले गए। इसी को अगर आप नवंबर और अक्टूबर में ही करवा लिए होते तो क्या दिक्कत जाती, ठीक है ना। अब आ गया बहाना, क्या होता है कि दीपावली और नवदुर्गा का एक इतना बड़ा इशू चलता है और छठ को लेकर के कि बहुत सारे अधिकारी चले जाते हैं छुट्टी पे और इसके कारण लड़के जो है तो सफर करते हैं। यही सवाल उठा रहा हूं, या तो फिर आप जब मेल कर रहे हो तो जो लड़के जिनका नहीं एडमिट कार्ड जारी हुआ है या जिनका मान के चलिए, सॉरी ये कहना मैं चाह रहा हूं कि जिनकी फीस नहीं जमा है उनका भी हाल टिकट जारी कर दो और जब लड़के पास हो जाएं या फेल हो जाएं या जो भी हो जाएं उनको मार्कशीट तब मिले जब वो हो। तो ये चीज़ें मैंने उनको ऑलरेडी, मैं आज 3-4 बजे के बाद मैंने बता दिया उनको हर एक चीज़, सारी चीज़ें से मैं अवगत करा दिया। आप लोगों को, आप सोचते हो मैं ये सारी चीज़ें उनको बता देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ। अब न्यूज़ सुनिए आईटीआई वालों के लिए। देखिए, आईटीआई वालों को बोल रहा हूं कि घबराइए नहीं, आपके भी मेल पे, मैंने बोला है आपके भी मेल पे जहां पे आता था वहां पे आएगा, आप लड़कों को तुरंत बताइएगा। बहुत सारे लड़कों का एक दिक्कत ये जा रही है कि आईटीआई वाले कह रहे हैं कि सर हम ईमेल एड्रेस भूल गए हैं कि क्या डाले थे लड़कों के, कई फर्जी डाल, भाई सही बात है 2018 में जो है तो ऐसे ही चलता था, आईटीआई वाला कुछ भी मेल डाल देता था, कभी अपनी डाल देता था, कभी किसी का डाल देता था, कभी ebcd@gmail.com कर देता था, तो वैसे में लड़कों पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, वैसे पूछे सही 2022 के बाद ही मेल लड़के जो है तो सही डालने लगे हैं, लेकिन 21 तक का अगर देखा जाए, ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ईमेल एड्रेस करीबन 80% ईमेल तो लड़कों को पता ही नहीं होगा किसी को, है ना, पता भी होगा तो उनका पासवर्ड नहीं पता होगा। तो इसलिए मैंने ये चीज़ें उठाई थी और ये चीज़ें उठा करके कल मैंने जो है तो 25 तारीख को मैंने उनको बोल दिया था कि सर इस चीजें हैं तो आईटीआई वालों को भी मेल डाल दीजिए, धीरे धीरे डाल रहे हैं तो आप डालिए। उन्होंने मेरे से ये प्रॉमिस किया था कि रात तक में हम बहुत कुछ डाल देंगे, बाकी 26 तारीख को हम कोशिश करेंगे कि 26 तारीख को 12 बजे रात तक डाल दें और जो बचेगा वो 27 तारीख तक में हम कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी लड़के का एग्जाम नहीं होगा, अभी टाइम है, 1 दिसंबर तक टाइम है, हम 30 तारीख के पहले पहले भी उनकी बातों को सुनेंगे। अगर इस तरह की कोई चीजें हो रही हैं
है तो हमको आईटीआई वाला अपने कंप्लेंट टूल पे हमको शिकायत करे और देख ले। दूसरी बात, आईटीआई वाले को मैं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट को नहीं बोल रहा हूँ, स्टूडेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, न्यूज मैं अलग अलग दिखा रहा हूँ, अलग अलग चीज को सुनिए। ये सिर्फ आईटीआई वालों के लिए न्यूज है कि वो विदित सर को मेल करें। मैं विदित सर का मेल चला दे रहा हूँ, आप सिर्फ इन सर को मेल करिए और कंप्लेंट टूल पे शिकायत करिए, और कंप्लेंट टूल पे शिकायत करने के बाद विदित सर को आप लोग मेल करिए, मूर्ति सर को नहीं, विदित सर को करिए। थोड़ा मूर्ति सर को हिंदी पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, कई लोग आप लोग हिंदी में मेल करते हो समझने में, तो विदित सर हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो आप विदित सर को ही मेल करिएगा। वो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और ये एग्जाम सेक्शन को बड़े अच्छे से देख रहे हैं, तो उनको जो है तो आप मेल करिए और अपनी बात उनको पूरी हर चीज बताइए, ठीक है। कोई स्टूडेंट इनको मेल नहीं करेगा, क्योंकि स्टूडेंट बहुत सारे मेल करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी। ये आप लोग अपने आईटीआई वाले को बोलो कि अगर आपका हाल टिकट आज नहीं आया है, जैसे आप 2:30 बजे तक वेट कर लोगे, 2:30 बजे तक जिसके जिसके नहीं आए हैं वो विधित सर को मेल करेंगे और कंप्लेंट टूल पे शिकायत करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं एक बार फिर से स्टूडेंट के लिए न्यूज बताते हैं। चलिए स्टूडेंट के लिए न्यूज बता देता हूं कि देखिए, आप ही खुद गलती करते हो। एक तो आप लोग अपना मेल नंबर फोन नंबर नहीं देते हो, है ना, तो पैनिक होने के लिए नहीं है। आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए कि आपको अपने मेल पे मिलेगा, जिनका मेल है तो, जिनका मेल एड्रेस नहीं है, नहीं आया है, उसको आईटीआई से मिलेगा। आप अपने आईटीआई के संपर्क में रहिए। डीजीटी ने साफ साफ बोला है कि हम किसी भी लड़के के साथ में गलत नहीं करेंगे। अगर आपका मेल नहीं, मेल पे भी दिक्कत हो रही है तो हम आईटीआई के मेल एड्रेस पर भेजेंगे। वैसे डीजीटी ये भी तैयारी कर रही है कि थोड़ा सा सर्वर अगर इनका सही हो गया तो एनसीबीटी पोर्टल पे जो लड़कों के लॉगिन है उस पे भी डाल देंगे। लेकिन सवाल यही होता है कि सर्वर पे इतना लोड बढ़ जाने पे आप लोग एक साथ जो है तो सर्वर पर चढ़ बैठते हो, जिसके कारण सर्वर फेल हो जाता है और आपका डेटा नहीं निकलता है। जब आपको बताया जाता है, हालांकि ये डीजीटी की गलती है, डीजीटी को ये पहले सूचना निकाल देना चाहिए कि हर चीज जो है तो मेल पर मिलेगी। वैसे भी स्टूडेंट को बता दे रहा हूं, चाहे वो अभी ईडी प्रैक्टिकल वाले हों, चाहे सीबीटी वाले लड़के हों, जर्नली आप लोग अपना मेल चेक करते रहिएगा। जैसे 4 तारीख से जो है तो सीबीटी वालों का मिलेगा सप्लीमेंट्री का, वो भी अपने मेल के हिसाब से ही चले, और ये लड़के भी मेल के हिसाब से ही चले। नहीं होता है तो आप अपने आईटीआई में जाकर के बात करेंगे और आपका जो है तो हाल टिकट मिल जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि परीक्षा में जो है तो वंचित रह जाओगे, इस पर डीजीटी कर रही। एक डीजीटी लड़कों से बता रहा हूं कि देखिए क्या होता है ना, कि जब भी कभी ये डेट बढ़ाई जाती है, आप लोग कहते हो देखिए 15 तारीख तक तो डेट बढ़ा दी गई, ठीक है ना, और फिर आप सोचते हो कि 23 तारीख को, मतलब अगर 3, 5, 3, 7, 8 दिन के अंदर अंदर हाल टिकट जनरेट कर दिया जाए तो बड़ी दिक्कत होती है, है ना। अब वो क्या होता है कि इसी के चक्कर में गलती कर बैठते हैं डीजीटी, इतने डेटा के चक्कर में गलती कर बैठते हैं, और ये एक मानवीय भूल हो जाती, मशीनरी एक चीज़ें चलती हैं तो पता नहीं चलता कि किन का पैसा आया है, किन की एलिजिबिलिटी है, किन की नहीं है। अब बहुत सारे आईटीआई के मैंने बताऊं कि मैं आपको परसों नर्सों को न्यूज़ में बताया था कि वो एलिजिबिलिटी में यस नो करना, H1 H2 भरना जिनका है, वो सारी बहुत सारी दिक्कतें कर रहे हैं लोग बाग, है ना। होता क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी होती है, फीस होती है ना, तो उसको तो भरना पड़ता नहीं, उसको स्टेट में भरना पड़ता है। वहाँ आईटीआई वाले जो है तो सबको, किसी को यस कर देते, किसी को नो कर देते, के कारण बहुत सारे लड़कों के साथ में दिक्कत ऐसी खड़ी हो जाती है। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हो गया हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको न्यूज डेली आए, आप पैनिक बिल्कुल ना होइए, और अपने आईटीआई वाले को बोलिएगा कि जो विदित सर को मेल चल रहा है उनको जरूर मेल कर दें, आप ये वीडियो जरूर उनको डाल दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा, उनको समझा दीजिएगा, है ना। आपको मेल नहीं करना, कोई स्टूडेंट मेल नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता नहीं होता है वो आईटीआई के से जाएगा वो क्या कर रहे हैं, कि आईटीआई का जो अफिलिएशन नंबर जो और एनसीबीटी एमआईएस कोड होता है ना, उस हिसाब से पकड़ पकड़ करके वो लड़कों को, उस हिसाब से डेटा पकड़ करके वो मेल कर रहे हैं, तो उनके से पता चल जाएगा। ऐसे लड़कों के मेल करने से अगर आप मेल करोगे तो आपको दिक्कत होगी। तो स्टूडेंट को बोल रहा हूं कि मेल आपको बिल्कुल भी डीजीटी को नहीं
नहीं करना है, ये आपको मैं बोल रहा हूं। अगर आप गलती करते हो तो आप खुद जाने, उसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। क्योंकि देखिए, जब भाई वो आप किसके लड़के हो, आईटीआई के लड़के हो, तो आईटीआई वाले को सारी चीजें जवाबदारी है ना। अब आईटीआई वाला है आपका, मेल करेगा नहीं करता है तो फिर बताइएगा। अभी टाइम भी है, आ सकता है, 26 तारीख हो गई, 27 तारीख, दो दिन के अंदर अंदर पूरा काम कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको आप लोगों से और हम लोगों से ज्यादा उनको ये सब सारी चीजें सक्सेसफुल करनी है। और ये वेबसाइट है भाई साहब, है ना, आप लोग क्या है ना कि सुबह से इतने ज्यादा चढ़ बैठते हो। मैंने जब न्यूज दिखाई तो मेरे को भी लगा और डीजीटी को भी लगा कुछ जो है तो रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लेकिन अभी तक रात को करीबन 11:54 हो रहे हैं। मैं बहुत लेट शूटिंग कर रहा हूँ अभी। मेरे को लगा था कि और कई आईटीआई के आ जाए तो पता चल जाए कि आईटीआई वालों को भी लॉगिन पे आया है कि नहीं आया है, लेकिन स्टूडेंट के लॉगिन पे तो नहीं, उसके मेल पे तो आ गया है, लेकिन डीजीटी को उसको आईटीआई वाले को भी मेल पे चला जाए तो अभी तक ये सूचना नहीं मिली है। और काम कर रहे हैं वो, सुबह तक मेरे को लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ये समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इसलिए आईटीआई वालों के लिए जो जैसे मैंने न्यूज़ में बताया है तो वो करिए, आप लोग मेल ना करिए और सावधान रहिए, थोड़ा सा देखते रहिए। अब भैया होता क्या है कि अब आप लोगों को मैं कई बार समझा चुका हूँ, आपको पता नहीं कैसे यूट्यूबर हैं आप लोगों को नहीं बताते कि जब तक आप आईटीआई करते हो ना, या आप एक सीख रख लीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर ना चेंज करिए और आप अपना ईमेल एड्रेस ना चेंज करिए, आप अपना पासवर्ड ना चेंज करिए, बाकी सब कुछ करिए। आप लोग सब कुछ इंस्टाग्राम पे रील बनाते हो, फेसबुक पे रील बनाते हो, दुनिया भर की सब चीज़ें करते हो, लेकिन अपने पढ़ाई के लिए आप लोग जो है ना, आज स्टूडेंट के ऊपर मैं कहूँ ना तो ये सब चीज़ें आप लोग डीजीटी के ऊपर वो लाभ देते हो हर चीज़ें। अब बताइए, आप 15 लाख 16 लाख लड़के हैं, परीक्षा नहीं दे रहे हैं और फीस भी नहीं जमा कर रहे हैं, अब इसमें करे तो करे क्या, किसकी दोषी है? क्या आईटीआई दोषी है या फिर डीजीटी दोषी है? आप दोषी हो ना। आप लोग पेपर देना चाहते हो लेकिन पैसा नहीं देना चाहते हो। पिछली बार आप लोगों ने यही चीज़ किया कि सर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करवा लीजिए, हो जाए प्रैक्टिकल एग्ज़ाम सर, हम जब पास हो जाएंगे सर, जब मार्कशीट लेने आएंगे तब करेंगे, फिर आप लोग आए नहीं। अब आप लोग आए नहीं तो दिक्कत खड़ी हो गई है ना, कई लोगों का सप्लीमेंट्री का फॉर्म नहीं भरे हैं उन लोगों ने, और कई लड़के जो है तो ईडी में फेल हो गए हैं तो प्रैक्टिकल का नहीं भर रहे हैं। तो आप चांस दे रहे हो, आप गलती कर रहे हो, जब तक आप पढ़ रहे हो तो कम से कम आईटीआई वाले से दुश्मनी मत लीजिए आप लोग। आप लोग आईटीआई वाला क्या है कि वीडियो जब भी आप आधा तीहा सुनोगे तो आपको जो है तो आधी जान आएगी, आधी नॉलेज मिलेगी और आपको दिक्कत खड़ी होगी। मैं लेक्चर नहीं देता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है। अब कई आईटीआई वालों का ऐसा है ना कि आपको लग रहा है कि परीक्षा फॉर्म भर गया, अब वही नहीं शो हो रहा है, डेटा ही नहीं शो हो रहा है। आप बताइए, अब डेटा नहीं शो हो रहा है तो कई लोग कह रहे हैं आईटीआई वाले कि सर मेरी गलती नहीं है, वो डीजीटी की गलती है। डीजीटी को ये है कि आईटीआई वाले की गलती, जब भाई फर्स्ट ईयर में लड़के का डेटा शो हो रहा था तो सेकंड ईयर में क्यों नहीं हो रहा है? सपोज करिए ना, सेकंड ईयर में क्यों नहीं हो रहा, लड़के ने फर्स्ट ईयर का परीक्षा दिया, मान के चलिए कि पहले साल लड़के ने परीक्षा दे लिया है, दूसरे साल लड़का परीक्षा क्यों नहीं दे पा रहा, क्यों उसका डेटा को क्या हो गया, कौन खा गया, किसकी गलती थी? अब इस पर तो कोई जाएगा नहीं ना कि इस पर जाए और देखे, जब पहली बार हॉल टिकट निकल गया था। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। अब देखो, आज एक लड़के ने 7-8 बजे किए कि सर वो हम लोगों की तो परीक्षा नहीं है, और आप कह रहे हो कि हॉल टिकट निकल रही है। अब मैं आश्चर्यजनक हो जाता हूँ कि आईटीआई वाले भी इस तरह की चीज़ें करते हैं। और आप लोगों को आज की डेट में तो यार सब चीज़ें उपलब्ध हैं, हर चीज़ें उपलब्ध है, और मैं तो एक एक चीज़ यार मेरे हिसाब से ऐसे लगता है कि जितना मैं समझाता हूँ ना उतना कोई ही साथ समझाता होगा यार, और हर चीज का पहलू बताता हूं कि आपको देखिए 23 तारीख को आपका क्यों नहीं आया हॉल टिकट, ठीक है ना, वो चाह रहे थे कि हॉल टिकट हर लड़के के उस पे आए, आप लोग सब साथ में चढ़ बैठते हो। अब डीजीटी ये चीजें कर रही है, भविष्य में आप ये समझिएगा, अब आपको जो है तो ना रिजल्ट पोर्टल पे मिलेगा, ना आपको एडमिट कार्ड पोर्टल पे मिलेगा। आप लोग इस चीज को देख लीजिए कि आप धीरे धीरे वो जो है तो सारी चीजें मेल पर देने लगे हैं। अब मेल अपना देखिए, मेल पे ठीक करिए आप, ठीक है ना। जब तक आप आईटीआई कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को लेकर के खड़े रहिए और ये चीज़ को जानिए कि ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपका सबसे ज़रूरी है। अगर आप इसको बंद करते हैं, इसको चेंज करते हैं तो आप लोग जानिए फिर आप कभी भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। वेट करिए,
23 हो गई, 24 हो गई, 25 को बहुत सारी चीज़ें गई हैं, 26 को भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। मैं होप कर रहा हूँ कि रात को आज 12 बजे तक में बहुत सारी चीज़ें चली जाएंगी, कुछ ही बचेंगे। देखिए, मैंने बताया था आप लोगों को कि एक साथ सबको मेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो वो सर्वर से जिनका जिनका जिस जिस ITI का मान के चलिए एलिजिबिलिटी और वो सब सही है या जैसा भी है, उस ITI का वो करना चालू कर दिया है। बहुत सारे लड़कों का आपने कल के भी उसमें कमेंट में देख लिया होगा कि कई लड़के कह रहे थे कि आ गया। एक अभय सिंह है, वो कह रहे थे कि सर लड़के की एलिजिबिलिटी नहीं हुई, उसका भी आ गया। तो देखिए, वो टेक्निकल एरर है। वो जब लड़कों का वो चाह रहे थे कि एलिजिबिलिटी वाले लड़कों का ही पोर्टल पे आए, तो जब वो नहीं हुई तो कोई ना कोई तो देखो DGT को रास्ता अपनाना पड़ेगा ना। और जब कोई अब दूसरा रास्ता DGT प्लान करता, देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाएं कि 2-3 प्लान होते हैं कि अगर पोर्टल पे नहीं आया तो मेल करेंगे, मेल पे नहीं आया है तो क्या हम ITI वाले को डायरेक्ट करेंगे, या फिर हम पूरा वो गट्ठा बना करके पूरा जो है तो मेल कर देंगे, या हम स्टेट को मेल कर देंगे, हम तो स्टेट फिर जाने स्टेट अपना अपने अपने लड़कों को करें। तो कई तरीके होते हैं, उसमें एक चीज़ें फेल होती हैं तो दूसरी चीज़ को करते हैं, दूसरी चीज़ फेल होती है तो तीसरी चीज़ करते हैं। अभी वो लगे हुए हैं मेल करने पे, पोर्टल पे, जिस पे भी उनका सक्सेस हो जाएगा। हो सकता है कि मेल भी ना करना पड़े, वो पोर्टल पर दे दें, लेकिन मेरे हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको, और DGT ने जिस तरह से बोला कि 26 तारीख को 12 बजे रात तक आप लोग रुकिए, बहुत सारे लोगों का मेल पर जो तो हॉल टिकट चला आएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही है, और जिसका जिसका हॉल टिकट आ रहा है वो कमेंट कर देंगे। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूँ। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT, ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।